हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल दिस इज निशा पवार वी आर स्टडिंग एयर अबाउट कंपनी अकाउंट्स एंड इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट फोर फीचर ऑफ शेयर्स तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स आपका काफ़ी तरह से हो सकता है जैसे कि इशू एट पार अगर आप कर रहे हो और फिर आपके शेयर्स आप फोर कर रहे हो इशू एट प्रीमियम आप कर रहे हो फिर फोर आप कर रहे हो उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में भी आपका इशू एट पार एंड इशोर्ट प्रीमियम दोनों हो सकते हैं ठीक है तो नॉर्मल जब आपका होता है सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो जाता है और वहाँ पे अगर आप इशू एट पार इशू एट प्रीमियम कर रहे हो देन आपने फोरफीड किए शेयर्स और फिर उनको री इशू किया तो ये दोनों टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं और उनकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इन अवर टूडेज़ वीडियो वी डिस्कस अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कि जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो वहाँ पे अगर आप किसी शेयर को फॉरफिट कर रहे हो किसी शेयर होल्डर ने आपका कोई कॉल अमाउंट नहीं दिया तो वहाँ जब आप फोरफीट करते हो तो आपको कैसे एंट्रीज़ करनी होती हैं ठीक है ठीके? और इस एग्जांपल में हम इशू एट पार वाला केस ले रहे हैं कि आपका इशू एट पार आप कर रहे हो और फिर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसमें हम फोरफिट करने वाली एंट्रीज़ कैसे करेंगे ठीक है तो एग्जाम्पल हमारा है एक कंपनी इशूड टेन थाउजेंड शेयर्स ऑफ टेन ईच पेबल एज रुपीज़ टू ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ थ्री ऑन अलॉटमेंट एंड थ्री ऑन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज टू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स आप देखो यहाँ पे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया टेन थाउजेंड के लिए आपने एप्लीकेशन इन्वाइट किया और आपको फिफ्टीन थाउजेंड की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है द शेयर व अलॉटेड ऑनराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड अब देखो ट्वेल्व थाउजेंड को ही आपने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए हैं यानी कि थ्री थाउजेंड को हमने क्या कर दिया उनका अमाउंट रिटर्न कर दिया ठीक है ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड टू हंड्रेड शेयर एक शेयर होल्डर जिसके आपने टू हंड्रेड शेयर अलॉट किए थे उसने आपका अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और दिस शेयर वर फोर और जस्ट उसी के बाद आपने उनको फोरफिट कर लिया द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई गई द फोरफिटेड शेयर वर री इशूड एट रुपीज़ नाइन पर शेयर एज रुपीज़ एट पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल द सेकेंड कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड यू आर रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी तो देखो सबसे फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो होगी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की तो वो एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे आपको शेयर्स का कोई नेम मेंशन नहीं है कि इक्विटी है या फिर प्रेफरेंस शेयर हैं तो हम इनको डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन के नाम से ही डाल देंगे तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अब फिफ्टीन थाउजेंड पर आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है तो फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टू यानी कि आपको थर्टी थाउजेंड का जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है अब हम क्या करते हैं इस एप्लीकेशन के मनी को हम ट्रांसफर करते हैं हमारी शेयर कैपिटल में और जिनको आपने रिटर्न कर दिया उनको उनका अमाउंट वापस दे देंगे और जो एक्सेस बचेगा उसको आप अपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लोगे तो टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड uh, जिनको रिटर्न करेंगे उसके लिए टू बैंक अकाउंट और फिर देखते हैं अभी कितना अमाउंट हमारा बचता है ठीक है तो थर्टी थाउजेंड तो आपका टोटल आपको रिसीव हुआ टेन थाउजेंड्स के आपके शेयर्स थे टेन थाउजेंड पर आपका सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड ही आपका रिसीव होना चाहिए था आपको और आपने थ्री थाउजेंड वालों को रिटर्न कर दिया थ्री थाउजेंड को आपने टू रुपीज़ के हिसाब से सिक्स थाउजेंड आपने रिटर्न कर दिया तो अभी आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है फोर थाउजेंड वो फोर थाउजेंड हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे वो कर देंगे हम हमारे शेयर अलॉटमेंट में फोर थाउजेंड रुपीज ठीक है इसके बाद हमें अपनी अलॉटमेंट कॉल मंगानी होती है तो उसके लिए एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट पहले ड्यू की जाती है उसके बाद आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी तो अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप टेन थाउजेंड शेयर्स पे थ्री रूपीज की आपकी अलॉटमेंट है तो ये हो जाएगी थर्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड अब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो देखिए अभी थर्टी थाउजेंड तो ये हैं जो आपने ड्यू किए हैं उसमें से फोर थाउजेंड आप ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हो तो अभी आपको ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो आपको वैसे ही मिलेंगे और साथ में क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर था जिसको आपने अलॉट किए थे टू शेयर ठीक है तो देखो यहाँ पे आपको अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर आप exactly निकालोगे कि, कि कितना अमाउंट वो नहीं दे पाएगा तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उसके बारे में हम क्या करते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं एक तरफ आप अपने अलॉटेड शेयर लिख देते हो एक तरफ हम हमारे अप्लाइड शेयर लिख देते हैं ठीक है तो अब देखो अलॉट हुए हैं यहाँ पे टेन थाउजेंड शेयर और इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था ट्वेल्व थाउजेंड के लिए यही हुआ क्योंकि बाकी के थ्री थाउजेंड को तो था हमने रिटर्न कर दिया ठीक है ना और ऐसे ही अब जो आपका शेयर होल्डर है उसको अलॉट हुए हैं टू हंड्रेड और अप्लाइड हमें नहीं पता तो अप्लाइड को हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा टेन थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड देन एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड अपॉन टेन थाउजेंड क्रॉस इनको काट दो थ्री से थ्री वन जीरो से वन ज़ीरो यानी कि उसने जो अप्लाई किया था वो टू फोर्टी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो देखो टू फोर्टी के लिए उसने अप्लाई किया ये उसके अप्लाइड शेयर थे टू फोर्टी एंड टू हंड्रेड हमने उसको अलॉट किया या उसके अलॉटेड शेयर हो गए तो हमें फोर्टी शेयर्स पे एक्सेस मनी मिला कितना फोर्टी इंटू टू यानी कि एट्टी रुपीज़ जो हैं वो हमें एक्सेस मनी मिला हुआ है इन्हीं शेयर होल्डर्स का ठीक है जो कि हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया अभी अलॉटमेंट मनी इसकी कितनी ड्यू हुई है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू इसको शेयर हमने दिए हैं टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड के हिसाब से आपके थ्री रुपीज से आपके सिक्स हंड्रेड होते हैं ड्यू ठीक है उसमें से एटी रुपीज़ वो पहले से ही एडजस्ट कर चुका है तो फाइव ट्वेंटी रुपीज़ वो नहीं पे करेगा तो देखो टोटल आपके थर्टी थाउजेंड की अलॉटमेंट ड्यू हुई उसमें से फोर थाउजेंड आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड बचे और उसमें से फाइव ट्वेंटी आप और लेस कर दोगे तो लेस करने पे आपका आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी ये अमाउंट वो होगा जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा ठीक है तो इसकी एंट्री हम यहाँ अमाउंट डाल देंगे ट्वेंटी फाइव ठीक है नाउ स्टूडेंट फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपका इस तरीके से होता है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है एंड राइट हैंड साइड में आपकी जो साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी ये आप कॉलम मेंटेन करोगे डेट सबसे पहले आपको डेट का कॉलम बनाना है देन पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप अकाउंट का नाम डालोगे जो भी आपकी एंट्री होगी देन जे एफ तो देखो हमने जब जर्नल बनाया था तो वहाँ पे हम एल एफ लिखते थे जिससे कि लेजर में ये एंट्री किस पेज नंबर पे वो पेज नंबर मेंशन होता था ऐसे ही जे एफ क्यों है कि ये जो आपने लेजर पोस्टिंग करी है ये आपके जर्नल में किस पेज नंबर पे है तो यहाँ पे आपको वो वाला पेज नंबर मेंशन करना है ठीक है देन अमाउंट और फिर अगेन आप क्रेडिट वाले साइड वाला डालोगे डेट पर्टिकुलर जी एंड अमाउंट ठीक है और सबसे ऊपर आपको अपना जो भी अकाउंट होगा उसका आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा और आप जैसे हमने कैश बुक बनाई थी तो वहाँ पे हम लोग बैलेंस निकालते थे जैस वैसे ही आपको लेजर में भी बैलेंस निकालना होता है अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप डेबिट में लिखोगे अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे ठीक है और जो साइड ज़्यादा होती है वही बैलेंस बोला जाता है अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है और आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट है ठीक है इस तरीके से होता है अब इसके बाद पोस्टिंग कैसे करनी है ठीक है तो पोस्टिंग के लिए देखो जस्ट सपोज हम लोग एक एंट्री ले लेते हैं कि एंट्री आपकी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ठीक है मान लो आपकी ये एंट्री है आपको इसकी पोस्टिंग करनी है तो देखो यहाँ पे आपके दो अकाउंट आ रहे हैं एक तो आपका कैश अकाउंट आ गया एक आपका कैपिटल अकाउंट आ गया दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे कैश अकाउंट बनाओगे और कैपिटल अकाउंट बनाओगे ठीक है तो कैश अकाउंट जब बनाओगे तो अब हमें ये चेक करना है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है देखो अगर जैसपोज कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ठीक है चेक करना है कि जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन वो क्या हो रहा है ठीक है और लिखना कौन सा है दूसरे वाला उसके अपोजिट वाला ठीक है तो कैश अकाउंट अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे डेबिट साइड में लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट और उसका अमाउंट आ जाएगा इसके अपोजिट अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट बट सिंपल कैश अकाउंट आपको नहीं डालना है कैश के साथ में आप जब भी क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे आप बाय मेंशन करोगे कि बाय कैश अकाउंट और फिर अमाउंट आपका आ जाएगा ठीक है इस तरीके से हमें पोस्टिंग करनी होती है जो अकाउंट बना रहे हो पहले वो चेक करो कि वो अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है उसके बाद उसके अपोजिट साइड वाला अकाउंट आपको डालना होता है ठीक है कई बार क्या होता है कि आपकी कंबाइंड एंट्री है जैसे कि जस्ट uh, सपोज हम लोग कर देते हैं कि एंट्री आपकी दी हुई है कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू राम ठीक है ये एंट्री आपकी दी हुई है तो अब यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करेंगे अब तो यहाँ पे तीन अकाउंट बनेंगे तो कैश अकाउंट जब बनाओगे तो आप कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट साइड में लिखोगे टू राम और अमाउंट कौन सा आएगा जितने अमाउंट से कैश आपका डेबिट हुआ है वो वाला अमाउंट ठीक है और फिर डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे तो डिस्काउंट अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखोगे टू राम लेकिन अमाउंट कौन सा वो वाला अमाउंट जिस अमाउंट से आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है ठीक है और फिर राम अकाउंट बनाएंगे तो राम आपका क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में लिखेंगे ये दोनों बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट ठीक है और फिर टोटल अमाउंट जो राम डेबिट हो रहा है वो वाला अमाउंट आपको डालना होता है मतलब ओवरऑल बात ये है कि आपको पहले जो अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट देखना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट दूसरी चीज़ अमाउंट भी आप उसी अकाउंट का डालोगे ना कि किसी और अकाउंट का कि वो अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है वो अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है ठीक है ये चीज़ डालनी है और नाम कौन सा डालना है नाम अपोजिट वाला अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट वाला नाम लिखोगे अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट वाला नाम लिखोगे ठीक है इस तरीके से हमें पोस्टिंग करनी होती है इसके बाद स्टूडेंट हमने ना जर्नल में ओपनिंग एंट्री भी की थी आप सबको याद होगा कि ओपनिंग एंट्री आपकी दी हुई थी जिसमें कि आपके सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए होते थे तो हम क्या करते थे जितनी भी एसेट्स होती थी उनको डेबिट कर देते थे जितनी भी लाइबिलिटीज होती थी उनको क्रेडिट कर देते थे और फिर बैलेंस भी चेक करते थे साथ के साथ अगर डेबिट में आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता था तो उसको हम गुडविल के नाम से डालते थे और अगर आपका क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलता था तो, तो उसको हम कैपिटल के नाम से ट्रांसफ़र कर देते थे ठीक है तो अगर आपके जर्नल में आपको ओपनिंग एंट्री भी दे दी तो उसकी भी हमें लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी तो वो हम कैसे करेंगे तो देखो जैसे कि सपोज आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दे दिए तो कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट्स है डेटर्स भी हमारे लिए एसेट है स्टॉक भी हमारी एसेट में ही काउंट होता है प्लांट भी एसेट्स में आता है और लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट्स में आती हैं सिर्फ क्रेडिटर हैं जो कि आपकी लाइबिलिटीज़ में आते हैं ठीक है तो हमें क्या करना है अगर आपकी जनरल में आपको ये सारी एंट्रीज अगर दी हुई हैं ये सारे बैलेंसेस अगर दिए हुए हैं तो हमें पोस्टिंग कैसे करनी है अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है ठीक है और जो भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो आप क्या करोगे आप जब कैश अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहली जो एंट्री करोगे वो डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जैसे हमने कैश बुक बनाई थी वहाँ क्या था ना हम ऐसे लिखते थे टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी डाउन मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस आप इस ईयर लेकर आ रहे हो ठीक है तो इस तरीके से करना है डेबिट साइड में लिखेंगे डेटर्स भी एसेट होते हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे स्टॉक भी डेटर्स स्टॉक भी आपकी एसेट में काउंट होता है तो उसे भी आप डेबिट साइड में लिखोगे प्लांट को भी आप डेबिट साइड में लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग में भी डेबिट साइड में लिखोगे सिर्फ क्रेडिटर जो हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं तो इनको हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड में कभी भी आप टू मेंशन नहीं करते हो क्या बताया मैंने जस्ट अभी आपको आप बाय करके लिखोगे बाय बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है इस तरीके से हमें अपनी ओपनिंग एंट्री की भी पोस्टिंग करते हैं तो अभी स्टूडेंट ये आपका सिर्फ थ्योरी पोर्शन है लेजर का आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे वहां पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है एंड अगर आपको आज वाली वीडियो में कोई डाउट है आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू